नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 जनवरी 2022 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर के माध्यम से क्या क्या अपडेट निकल कर आ रही, उस अपडेट को पहले हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीसीएस मेंस स्थगित हो गई है। अब 23 से लेकर 27 मार्च तक होगी परीक्षा। उसके बाद दोस्तों, अगर अगली अपडेट में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है कि कोरोना के कारण टाली गई पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जब पीसीएस में इतने ज्यादा पहले तो बात है बच्चे बैठेंगे नहीं पेपर में, तो सोचिए इस परीक्षा को टाल दिया जाता। लेकिन यूपी टेट की परीक्षा दोस्तों अभी तक टाली नहीं गई है। क्या दोस्तों दिक्कत क्या आ रही, कहाँ पर क्या मामला, पूरी अपडेट को देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दोस्तों ठप, काउंसिलिंग का दोस्तों रहा इंतजार। इस अपडेट को हम आपके सामने रखेंगे। देखिए दोस्तों, यूपी टेट के बाद सीधे शिक्षक भर्ती की ही बात होगी, और उसके बाद दोस्तों अगर हम कोरोना मामलों की बात करें तो 24 घंटे में दोस्तों जरा देखते हैं क्या हाल रहा। पिछले 24 घंटे के अंदर दोस्तों 3 लाख से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आ गए। जी हाँ दोस्तों, एक रिकॉर्ड बन रहा है, 3 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस एक दिन में अगर आ रहे हैं, उसके बाद भी परीक्षा को नहीं टाला जा रहा, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया एक दिन के अंदर 493 लोगों की जान गई है। ये दोस्तों लिखित रूप से यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया, 493 लोग। बाकी जिनका नाम कोरोना में नहीं आ पाता या नहीं लिस्ट होती, उनकी बात अलग है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अब हमारे देश में 19 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के अब एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव केसेस दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 लाख से ज्यादा मामले है, और दोस्त ये कल तक उम्मीद है कि 20 लाख को पार कर जाएगा। तो गाइस, इस समय सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है, तो सावधानी बरतनी है। बाकी दोस्तों कुछ और अपडेट्स है, इसको एक एक करके हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज के दिन सबकी बच्चों के मन में एक ही सवाल है कि क्या परीक्षा टाली जाएगी नहीं टाली जाएगी। तो दोस्तों आप ये मान के चलिएगा आज रात तक हर हालत में ये बात कंफर्म हो जाएगी 100% कि पेपर होगा या पेपर रद्द होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, 22 तारीख से फ्री यात्रा वाली बात है, ठीक है। आज 20 तारीख हो चुकी है, मतलब आज और कल, और उम्मीद है दोस्तों कि आज ही बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा होगी या टाली जाएगी। वैसे ये मान के चलिए अभी तक दोस्तों जो उम्मीद लग रही कि परीक्षा होने के संकेत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर परीक्षा टाल दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। जब सोचिए 3 लाख से ज्यादा मामले पर डे आ रहे हैं, तो यहाँ पर वैसे रिस्क सरकार को नहीं लेना चाहिए किसी भी छात्र के साथ। और 493 लोगों की जान गई। कुछ दिन पहले दोस्तों आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, याद है पंचायत चुनाव, तो कितने टीचरों की जान चली गई थी उस चक्कर में। तो मामला दोस्तों गंभीर हो सकता है। देखिए लगभग लगभग बहुत सी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। अभी आप ये मान के चलिए कि ये कोरोना का पीक है दोस्तों, केसेस बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, ठीक है। ज्यादा दिन दोस्तों 3 लाख केसेस नहीं रहने वाले, उसके बाद फिर से डाउन हो जाएंगे, 10-15 हजार, 5 हजार, ऐसे ही हो जाना है। तो गाइस अभी थोड़ी सी हमें सावधानी ज्यादा रखनी है। बाकी देख सकते हैं मरने वालों का आंकड़ा 4,87,000 को पार कर चुका है। अब दोस्तों उम्मीद है कि आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, कि क्या परीक्षा दोस्तों होगी टलेगी। उसके बाद देखिए, टीईटी परीक्षा के बाद दोस्तों तेज होगा शिक्षक भर्ती आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, देखना है भैया, कुछ भी खबर आपसे छूटे ना पाए। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट अगर हम बात करें तो जरा इस अपडेट में देखिए क्या लिखा है कि टीईटी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई तो दोस्तों निलंबित होंगे जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आ रही है अमेठी से। शिक्षक पात्रता परीक्षा को नकल विहीन कराने की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ नामित केंद्र व्यवस्थापक मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सचिव परीक्षा प्राधिकारी के निर्देशों की विस्तृत जानकारी देखते हुए नकल विहीन परीक्षा संपादित कराने की जिम्मेदारी दोस्तों दी गई। उसके बाद देखिए आगे की अपडेट। डीएम ने परीक्षा के दौरान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा बंद मिलने, परिसर में स्मार्टफोन मिलने, परीक्षार्थियों को असुविधा होने तथा परीक्षा की शुचिता प्रभावित होने की दशा में कक्ष निरीक्षक केंद्र व्यवस्थापक के साथ नामित मजिस्ट्रेट व पर्यवेक्षक को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही की दोस्तों चेतावनी दी है। तो मतलब दोस्तों एक छोटी सी लापरवाही सीधे सस्पेंशन हो सकता है, ठीक है। तो इस बार दोस्तों देखने वाली बात होगी कि भैया पेपर आउट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि देखिए पेपर आउट होने से बच्चों का नुकसान बहुत ज्यादा होता है। देखिए बता दें, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं 6 महीने से 1 साल से, और सोचिए कुछ बच्चे भैया 6 दिन भी नहीं पढ़ेंगे और एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो उनके साथ तो धोखा हुआ ना, जो बच्चे 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निर्देश पर 23 जनवरी रविवार को
जिले के 13 केंद्रों में 2 पालियों में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। तो दोस्त ये अलग अलग अपडेट्स हैं, आप देख सकते हैं कि भैया डीएम पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक और बड़ी अपडेट, डीएम ने परीक्षा के दौरान प्रत्येक कक्ष में दीवार घड़ी लगाने के साथ मास्क व सैनिटाइजर का प्रबंध रखने का निर्देश देते हुए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने को कहा है। बैठक में एडीएम एसपी सिंह, डीआईओएस उदय प्रकाश मिश्र, ये दोस्तों अमेठी के अपडेट है। वैसे अब ये मत कहिएगा यूपी के हर एक जिले में ऐसा हो रहा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद नई शिक्षक भर्ती की क्या अपडेट है, प्रयागराज से दोस्तों अपडेट आ रही है। टीटी परीक्षा के बाद युवा मंच कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब दोस्तों 7,000 अभ्यर्थियों वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा को कोविड की वजह से स्थगित किया जा सकता है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया, शिक्षण संस्थान पहले से ही बंद है, ऐसे में सरकार लाखों युवाओं की जिंदगी को खतरे में डालकर टीटी परीक्षा कराने की जिद पर अड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये बहुत ही सीरियस बात है दोस्तों। आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो भैया ठीक है, मत करिए, लेकिन करना चाहिए दोस्तों, कि जहां पर छोटी छोटी परीक्षाएं आयोजित होनी थी उन परीक्षाओं को स्थगित किया जा रहा है। एक चीज दोस्तों बताते, कोरोना हल्के में नहीं लेना इसको, जिसको हो जाता है भैया फिर तो दिक्कतें ज्यादा होती है। आपको पता है ऑक्सीजन ये सब मामला आपने देखा होगा पिछले साल, और इस साल क्या है ना, अभी दोस्तों मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये 10-15 दिन जो है अभी आने वाले, इसमें दोस्तों अगर आपने बच गए तो ठीक ठाक है, नहीं तो फिर वही होगा कि इसके चपेट में आएंगे, अच्छा खासा पैसा लग जाएगा इलाज में। और दोस्तों देख सकते हैं कि अगर टीटी परीक्षा कराने की जिद पर सरकार अड़ी है तो प्रदेश की युवा भी टेट परीक्षा के बाद 97,000 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए आंदोलन तेज करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, यूपी टेट परीक्षा को लेकर बच्चे अब सीरियस थोड़े से कम इसलिए हो गए, ये ऐसा कहा गया कि 15-20 दिन बाद पेपर ले लीजिए। उसका रीजन था कि नई शिक्षक भर्ती का कोई अता पता नहीं है। अगर दोस्तों कल को ये नोटिफिकेशन आज ही जारी कर दे कि 97,000 पदों पर वैकेंसी आ गई है, तो बच्चे 23 के बदले कहेंगे चलो भैया 2,200 को पेपर ले लो। लेकिन जब दोस्तों शिक्षक भर्ती का कोई अता पता ही नहीं है तो फिर मतलब क्या रह गया। ठीक है, इससे पहले भी दोस्तों टेट की परीक्षा पहले हो चुकी है, देखिए थोड़ा सा कोरोना के केसेस कम हो जाए उसके बाद पेपर हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपने सुना होगा फ्री में बस सुविधा, जब सोचिए कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके बाद फ्री में बस सेवा कौन लाभ उठाने जाएगा। ठीक है, तो ठंड का माहौल भी है, ठंडी काफी तेज है, बाकी देखते हैं जो भी अपडेट आएगी अपडेट आपके सामने रखेंगे। देखिए बात क्या है ना, कि अगर कोरोना के चलते अन्य परीक्षाओं को स्थगित किया है तो सवाल यहाँ पर बनेगा कि टेट की परीक्षा क्यों स्थगित नहीं हो रही है, या दोस्तों किसी भी परीक्षा को स्थगित ना किया जाता है, सोचिए। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट देखिए हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी यहाँ से डाउनलोड करें सबसे पहले एडमिट कार्ड, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिंक दिया जहां से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपसे छूट गया तो भैया नया वाला एडमिट कार्ड जरूरी है, 23 जनवरी वाला, पुराने वाले एडमिट कार्ड से पेपर नहीं दे पाएंगे याद रखिए, क्योंकि अधिकांश बच्चों के सेंटर रोल नंबर सब कुछ बदल गया है, इस बात को जरा ध्यान रखना है, नहीं तो कुछ बच्चे सोचे चलो पुराने वाले एडमिट कार्ड से काम हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए जरा इस अपडेट को देख लेते हैं कि कोरोना के चलते भैया पेपर को क्यों रद्द किया गया। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 28 से लेकर 31 जनवरी तक प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन से मतलब अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा टाल दी गई है। आयोग के सचिव जगदीश की ओर से बुधवार को जारी सूचना के अनुसार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए परीक्षा स्थगित की गई है। अब दोस्तों यह परीक्षा 23 से लेकर 27 मार्च तक होगी, मतलब सोचिए जहां पर ज्यादा बच्चे सम्मिलित नहीं हो रहे उस पेपर को स्थगित किया जा रहा है, और जहां पर लाखों लाख बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं उस पेपर को लेकर दोस्तों अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं। हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, अगर परीक्षा स्थगित होती तो भैया वहां से आप सबसे पहले अपडेट पा जाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।